मैट के ऊपर ऑल ओवर इंडिया से जो प्लेयर आ रहे हैं लगभग 82 टीम हैं, उनका पूर्णतः मैं कह सकता हूँ कि वो सफल रहेगा। और उसका जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, जो स्टार स्पोर्ट स्टार प्लेयर हैं, वो सब आ रहे हैं। रहने की खाने की 16 एकड़ में अपना स्कूल है, पूर्णतः व्यवस्था है। और एक स्पोर्ट्समैन होने के नाते मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हम भरपूर कोशिश करेंगे किसी को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। सर, ये टूर्नामेंट जो किस फॉर्मेट पे खेला जाएगा? ये नेशनल रूल एंड रेगुलेशन जो कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा निर्धारित हैं, उनके आधार पर खेला जाएगा। और नियमावली जो भी होंगी वो CBSE की गाइडलाइन और स्टेट के, उसके बाद फेडरेशन के जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, वो अकॉर्डिंग टू द रूल एंड रेगुलेशन वो खेला जाएगा। सर, आप अच्छे खिलाड़ी रहे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे आपने अच्छा परफॉर्म किया, और अभी जो खिलाड़ी हैं हमारे प्रो कबड्डी को इतना आगे लेके जा रहे हैं, तो एक आपके ब्लड में खेल है, तो अभी क्या मान रहे हैं कि जो अभी हम प्लेटफार्म जो बच्चों को दे रहे हैं, इससे कितना कुछ अपने पास पोटेंशियल और क्या कुछ अपने पास निकल के आने वाला? देखिए, मैं ये बात बताना चाहूँगा कि खेल की जो प्रतिभा है वो गाँव से है, और कोई भी एकदम से, चाहे क्रिकेट हो या कबड्डी हो, आज कबड्डी क्रिकेट की तरह एक बहुत प्रसिद्ध होती जा रही है, लेकिन स्कूलों के अंदर जब तक स्पोर्ट्स नहीं बढ़ेगा, खेल के अंदर आगे आएंगे नहीं। जिस प्रकार से बच्चा ABCD सीखता है, इसी प्रकार से कोई भी गेम हो, हमने सीखा 6 क्लास से शुरू हो जाता है। और हमने इसीलिए ये अपने स्कूल 16 एकड़ में स्कूल है, उसमें बॉक्सिंग, क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, अभी एक बॉक्सिंग मेरे यहाँ हुई, तो पूरे का एक महीने का कैंप मेरे यहाँ लगा। तो जब तक तमाम से पब्लिक स्कूल हों, गवर्नमेंट स्कूल हों, वो अपने देश के जो मेडलों की कमी रहती है, वो जाके 18-20 साल की उम्र में कहाँ से स्टार्ट होगा, यानी कि ग्रास रूट से हमें शुरू करना पड़ेगा। ग्रास रूट से हमको 3rd-4th से करना पड़ेगा। जैसे विदेशों में, मैं तो इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया, मैं सेफ्टी मिशन ऑफ इंडिया था, तो वहाँ देखा कि अमेरिका, इंग्लैंड, क्यूबा, जर्मनी, रसिया में बच्चे को स्विमिंग कराते हैं तो उसमें फेंक देते हैं तालाब में। कबड्डी खेलनी है, कुश्ती खेलनी है, करना है, वो सब काम ऐसे ही होता है। तो हमने इसको शुरू किया है, ये विद्यालय स्पोर्ट्स के नाम से प्रसिद्ध, यानी कि शिक्षा के साथ साथ आप खेलों को भी बराबर तवज्जो देते हैं। वहाँ पे लगभग 200 बच्चों के रहने का, लड़के लड़कियों का हॉस्टल बनाया है, और तमाम स्पोर्ट्स, चाहे लड़कियों का बैडमिंटन हो, कबड्डी हो, इसके अंदर फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, सारे कर रहे हैं। तो इसको प्रोत्साहन के लिए है कि हम ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करें। सर, कुछ चार्जेस भी लिए जाएंगे टीमों से? नहीं नहीं, इसमें कोई चार्जेस नहीं होता। ये जो गवर्नमेंट के सिलेक्ट होके आते हैं, जो स्टेट चैंपियन होके आते हैं, वो एक क्वालिफाई करने के बाद यहाँ आते हैं। ये एकदम से अंडर द रूल रेगुलेशन के आधार पर होगा, CBSE की गाइडलाइन पे। हम अपनी तरफ से अकोमोडेशन हम फ्री देंगे, रहने का हम फ्री देंगे, उनका छोटा चार्ज वो भी CBSE देगी, किसी भी बच्चे से कोई चार्ज इसके खेल के लिए नहीं दिया जाएगा। सर, लड़कियों के बारे में अक्सर बोला जाता है कि लड़कियों को अभी भी इतना एजुकेशन होने के बावजूद भी, मतलब घर से निकलने के लिए, हम ग्रामीण परिवेश में देखते हैं कि अभी भी झेपते हैं लोग जी। तो इसके बारे में कुछ आप मोटिवेशन कहना चाहूँगा कि हमारे लोगों की जो मानसिकता है वो आहिस्ता आहिस्ता बदल रही है, लेकिन चाहे वो स्पोर्ट्स हो और चाहे स्टडी हो, जब तक लड़कियाँ आगे नहीं जाएंगी, आ रही है। अभी आपने देखा ओलंपिक के अंदर, बिल्कुल, अगर मेडल आए तो लड़कियों के आए। मेरे स्कूल के अंदर जो 95 और 96 के आप रिजल्ट देख रहे हैं, बच्चों के इतने परसेंटेज, IIT, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, ये सब लड़कियाँ तो बन रही हैं। तो हम ये हिचक को तोड़ने के लिए, अब लड़कियों का भी मैच है, लड़कियाँ भी लगभग 450 लड़कियाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनको एक दूसरे को देख, उनके पेरेंट्स को भी आप बुलाएंगे, माता पिता को, सारे ना पेरेंट्स को आपके माध्यम से जहाँ जहाँ तक जनता को पता लगेगा, और वो पेरेंट्स भी देखेंगे किस प्रकार से बच्चों का करियर बनता है और उनको बोल्डनेस आती है। खेल के माध्यम से ये है कि बच्चा बोल्ड हो जाता है, ताकतवर हो जाता है, उसके माइंड डेवलप हो जाता है। धन्यवाद।